करिया से बिजली समस्या से जूझ रहे किसान ने तहसील आकर एसडीएम नितिन टाले को ज्ञापन सौंपा है, जिसके माध्यम से किसानों ने बताया है कि ग्राम तरुण कला और बमोरी कला के किसानों को विद्युत सप्लाई सब स्टेशन ढोडिया खेड़ा से दी जाती थी, परंतु विद्युत मंडल के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा हमेशा लाइन फॉल्ट कर पैसे के लालच में खैरी कला और मुहारी कला को अतिरिक्त विद्युत दी जा रही है। डीएलएफ लाइन को 3 फेज चालू करते हैं, इन्हीं के लालच के चलते ग्राम तरुण कला और बमोरी कला में करीब 300 एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है। विद्युत की समस्या को लेकर कोई फसल नहीं लग पाई है, धान का रोपा लगाया भी गया लेकिन बिजली की समस्या रहने के कारण खेत सूख रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार विद्युत मंडल के आला अधिकारियों से की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज की तारीख में 300 एकड़ के किसान द्वारा परिवार का जीवन यापन खेती से चलता है, उनके परिवार के पालन पोषण की बहुत बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हो गई है, जिससे किसान और उसके परिवार वाले सदमे में हैं। यदि कोई घटना घटती है तो उसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। राइट खराब के कारण धान नहीं लग पाई, हम कम से कम 15-20 मतलब खाली डाला। तो किसको ज्ञापन दिया आपने? एसडीएम सर। क्या क्या बात है उनसे? उनने कही अब कार्रवाई करवाएंगे। कही खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।